दोस्तों एक के बाद एक आ रही बॉलीवुड के बुरी खबरों में अब फिर से एक बेहद ही बुरी खबर जुड़ गई है। दरअसल रविवार को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मुंबई में बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या की और उनके नौकर ने इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। वैसे तो अभी तक कोई खास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन बताई जा रही है। हालांकि महज 34 साल की उम्र में सुशांत के निधन की खबर फैलते ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत अपनी काबिलियत के दम पर सफलता के लिए जाने जाते थे और यह एक ऐसे एक्टर थे जो कि एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी महारत हासिल किए हुए थे। दरअसल 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत को शुरू से ही एक्टिंग से प्यार था, लेकिन जल्द ही मां की मृत्यु के खबर ने उनका यह रास्ता और भी कठिन कर दिया। हालांकि वह हारे नहीं और शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से करने के बाद पूरी फैमिली ही उनकी दिल्ली शिफ्ट हो गई और फिर वहाँ कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। और दोस्तों एक्टिंग के शौक के साथ साथ सुशांत का पढ़ाई लिखाई में भी पूरा मन लगता था और वह फिजिक्स सब्जेक्ट में नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान ही उनका मन डांस में लगने लगा, लेकिन इस फील्ड में भेजने के लिए उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट जाकर सुशांत ने श्यामक डावर के डांस क्लास को ज्वाइन कर लिया और दोस्तों जल्द ही वह अपनी शानदार डांस की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। साथ ही उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया था। हालांकि जल्द ही बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने उनके टैलेंट को नोटिस किया और फिर उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के एक सीरियल में प्रीत जुनेजा का किरदार निभाने का मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों टेलीविजन में उनको सफलता मिली पवित्र रिश्ता नाम के एक शो से, जहां पर उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाकर लोगों में खूब नाम कमाया और फिर इसके बाद में वह डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए। हालांकि अब बारी थी सुशांत के फिल्मी करियर की, क्योंकि उन्होंने 2013 में काय पोछे मूवी से अपना डेब्यू यहां भी कर लिया था और फिर इसके बाद भी वह शुद्ध देसी रोमांस पीके, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राबता, केदारनाथ, सोनची रैया और छिछोरी जैसी फिल्मों में भी अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखा चुके हैं। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का साथ बस अभी तक ही था, क्योंकि उन्होंने महज 34 साल की उम्र में ही हम सभी को अलविदा कह दिया। हालांकि उनके आत्महत्या के पीछे असल वजह क्या है, इस बात की जानकारी जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों हम यह जरूर कह सकते हैं कि हमने एक शानदार अभिनेता को बहुत ही जल्दी खो दिया। भगवान सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दी।